ओके दोस्तों, हमारे पास एक कमेंट आया था जिस कमेंट में लिखा था कि 3.5 सेंटीमीटर और हाइट में 4.5 सेंटीमीटर, रेजोल्यूशन उसका 300 होना चाहिए और 6 फोटो पासपोर्ट साइज का एक्शन बना करके दीजिए। यह कमेंट हमें कई बार आया तो हमने सोचा कि इस कमेंट से रिलेटेड एक वीडियो तो बनना ही चाहिए। तो हमने फाइनली इस साइज का एक एक्शन फाइल बना करके हमने अपलोड कर दिया हूँ और आप इस एक्शन फाइल को डाउनलोड करके अपने पासपोर्ट साइज फोटो को चुटकियों में कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको वीडियोस को देखना पड़ेगा कि कैसे ये एक्शन हमारा अप्लाई होगा। आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक से ये बन के तैयार नहीं हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी ध्यान में रखेंगे तो आपका ये एक्शन परफेक्टली यूज कर सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जरूर देखें। इसमें से जरा सा भी कोई भी ऑप्शन अगर आप मिस करेंगे तो आपका एक्शन प्ले नहीं होगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके कमेंट और हम आपके सजेशंस का हमेशा इंतजार करते हैं और उससे रिलेटेड वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को न्यू देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास तीन फोटो है और इन तीन फोटोज को हम अभी एक्शन फाइल इस पे अप्लाई करके दिखाएंगे कि हम तीनों अलग अलग फोटोज में अगर हम एक्शन प्ले करते हैं तो वो कैसा यूज करने में मुझे आता है। और साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास हमारे पास एक एक्शन फाइल है और इस एक्शन फाइल को अभी आप फोटोशॉप में कैसे यूज करने वाले हो और इन तीनों फोटोज को अप्लाई करके हम आपको पासपोर्ट साइज को कन्वर्ट करके जो हम चुटकियों में दिखाएंगे। लेकिन आपको वीडियोस को देखना बहुत ही जरूरी है। इसमें छोटी सी एक ऑप्शन है जिसको सीखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं देखते हो तो शायद से आप इस एक्शन को प्ले नहीं कर पाओगे, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद इस एक्शन फाइल को डाउनलोड करने का कोई भी फायदा आपको नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फोटोज है, फोटोशॉप का यहाँ पे सॉफ्टवेयर है और यहाँ पर आप इसका वर्जन देख सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, अबाउट फोटोशॉप आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो फोटोशॉप का 7.0 वर्जन है। ठीक है, तो इसमें हम एक्शन प्ले करने वाले हैं। एक्शन प्ले करने के लिए सबसे पहले आपको एक्शन पैलेट को ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको विंडो में चले जाना है और यहाँ पर आपको एक्शन ऑप्शन को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ पे कितने सारे एक्शन आपको दिखाई देगा तो एक 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 आपको एक्शन आपको देंगे हम वीडियोज में, तो आप वीडियोज को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहे। हमारे चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हो कितने सारे एक्शन है। ये एक्शन सब आप ही सबके लिए जो कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, तो आप चैनल पे हमारे बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे फोल्डर्स में जो ये है पासपोर्ट साइज 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर का, यह जो हमारे पास एक एक्शन है, इस एक्शन को लोड करने के लिए सिंपल से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फोटोशॉप में यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे नीचे देख सकते हो यहाँ से सेलेक्ट हुआ है, ये हमारा ऑटोमेटिक से यहाँ पे एक्शन यहाँ पे लोड हो चुका है। उसके बाद ऊपर में आपको क्लिक करना है यहाँ पे एरो में, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, और उसके बाद यहाँ पे बटन मोड का एक ऑप्शन दिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक से सब बटन मोड में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यह बारी आता है कि यहाँ पे एक फोटो, किसी एक फोटो को मैं यहाँ से जैसे इस वाले फोटो को यहाँ पे मैं रखता हूँ और रखने के बाद मैंने यहाँ पे पासपोर्ट साइज 3.5 और 4.5 साइज पे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक से यहाँ पे साइज ले लिया है। साइज लेने के बाद इसको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉप को ऑप्शन को यहाँ पे ऑटोमेटिक से यहाँ पे कर लेना है और यहाँ पे एरिया यहाँ पे डिसाइड कर रहा है, ऑटोमेटिक से इस पर क्लिक करेंगे यानी इंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिक से यहाँ पे A4 साइज में 6 फोटो बनके तैयार हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा ये जो है कि थोड़ा सा इसका लेंथ लंबा है, क्योंकि 3.5 और 4.5 जो है वो हमारा हाइट है, तो 3.5 से हमारा 1 सेंटीमीटर जो है कि इसका हाइट ज़्यादा है, तो इसलिए ये हमारा फोटो का लेंथ ही जो है लेंथ लंबा है यानी टॉल है थोड़ा सा। तो मुझे बता रहा था कि स्क्वायर में फोटो हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा ये लेंथी है। तो जो आपने साइज दिया था दोस्तों उसी साइज को हमने यहाँ पे बना करके रख दिया हूँ। बाकी सभी दोस्तों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये साइज थोड़ी सी बेटर है, आप अगर चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक से बनकर तैयार हो गया। तो आप एक फोटो में देखा, अब मैं आपको किसी और फोटो में दिखाता हूँ और लास्ट फोटो में दिखाऊंगा मैं। चलिए मैं अब इस वाले फोटो को ले लेता हूँ और इस पर क्लिक करूँगा और अब यहाँ पे मैं यहाँ पे देख सकते हो पासपोर्ट साइज 3.5 × 4.5, इसी पर मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक से। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे फोटो के ऊपर यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन आ चुका है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से साइज में कर देना है और इसको थोड़ा सा इस प्रकार से झुकाव झुका हुआ फोटो है तो यहाँ पे इस प्रकार से कर देंगे और डबल क्लिक करेंगे मैं यहाँ से और यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिक से यहाँ पे पासपोर्ट साइज का फोटो बनके तैयार हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से आप अपने फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज फोटो को
एक क्लिक में कन्वर्ट कर सकते हो। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप क्रॉप ऑप्शन को थोड़ा सा आपको एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि आपको क्रॉप ऑप्शन को तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फोटोशॉप का एक्शन आपने पासपोर्ट साइज के लिए अपने वीडियोज़ में डाउनलोड किया होगा, वो डायरेक्टली आपका वर्क नहीं करता है। और ये वाला जो एक्शन है किसी भी फोटोज़ में अप्लाई कर लो, किसी भी फोटोज़ में ये डायरेक्टली 100% आपका काम करेगा। 100% से 1% ऐसा नहीं है कि आपका ये काम नहीं करेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप हमें कमेंट करें आपको नए वीडियोस किस टॉपिक पे चाहिए। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नए नए वीडियोज़ इस टॉपिक से रिलेटेड या फोटोशॉप से रिलेटेड, एमएस वर्ड, इंटरनेट से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।